हाय, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग विशाली मिल्टर ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार बहुत ठंड हो रही है आजकल, दिल्ली में इतनी ठंड है तो भाई पता नहीं क्या ही हाल होगा। और जगह तो ज़्यादा ठंड ज़्यादा पड़ती है। आप लोग मानोगे यार, रात को हम तीन तीन चार चार पजामे पहन के खोए, वो भी रजाई के अंदर। इतनी ठंड लग रही थी रात को हम लोगों को, ठंड तो बहुत ही हो रही है। तो फिलहाल हमने उठ के ब्रश वगैरह कर लिया है, नहाने के तो बाद में सोचेंगे क्योंकि दिल्ली में तो धूप निकलने का नाम नहीं लेती। अभी मम्मी ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट से, फिर आपको मिलते हैं। देखते हैं मम्मी ने पहले बनाया क्या है ब्रेकफास्ट में। आज मैं क्या बनाया है यार, आज नाश्ते में भाजी के गर्मा गर्म खस्ता पराठे बनाए चाय के साथ। चाय के साथ पराठे, चाय के साथ। और अब हम टीवी ऑन करके देखते हैं, फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। टीवी के बिना तो नाश्ता भी नहीं होता इसका। हाँ वही तो बात है, मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। भाई हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट। आज हमारा प्रोग्राम तो था बाहर जाने का, पर ठंड इतनी है, आप लोग सोच नहीं सकते दिल्ली में कितनी ठंड पड़ रही है इस टाइम पर। और भाई भी आज अमृतसर से वापस आ जाएगा, वो कभी एक बजे तक आ जाएगा, अभी 11 बजे है। तो उसकी वजह से भी हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, और ठंड में तो बाहर निकलने के आप घूमने में बहुत आफत आती है। तो हमारी अलमारी हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, अब मम्मी और मेरी तो मतलब पूरा मैं पूरा था, कपड़े मिल ही नहीं रहे थे, ऐसे ही फेंक देते कपड़े पहन पहन के हम लोग, स्पेशली मैं। मम्मी नहीं, मम्मी तो ढंग से रखती है, मेरी आदत ही नहीं है तय लगा के रखने की, ऐसे ही फेंक देती हूँ। मम्मी बार बार गालियाँ देती है, तो वही सोचा ठीक कर ले थोड़ी, फिर हफ्ते बाद तो फिर वही मिल जानी है, कोई बात नहीं। पर नाम तो करना है ना, ठीक करिए हमने, है ना, हफ्ते बाद फिर वही याद हो जाता। अब कोई बाहर तो जा नहीं सकता घूमने के लिए। अभी हफ्ते बाद मम्मी मेरे को फिर गालियाँ देती हुई फिरेगी, अभी देख हफ्ते वाले हफाई करनी थी फिर तुमने कर दी। ऐसा होता है दोस्तों, आप लोगों के साथ भी कमेंट करके जरूर बताना, मेरे साथ तो बहुत होती है ये चीज़। तो मिलते हैं, पहनेगी कपड़े फेंक देगी, यानी कि तय जैसे उठाने हैं वैसे रखने हैं, वैसे नहीं करना इसमें तो। कोई बात नहीं, आपको मिलते हैं अलमारी साफ करने के बाद हम अपनी, और फिर फ्रेश वगैरह होके तैयार होके अब मैं मिलती हूँ आपको, जब तक बाय बाय। आई निकल आई है धूप, और देखो धूप निकलने के फ़ायदे इनके। अभी हम अलमारी साफ कर रहे थे तो जो कपड़े ऑल्ट्रेशन वाले थे वो लोग निकल आए सारे, और उसके हाथ हाथ मम्मी का फ़ायदा, मम्मी बैठ गई मशीन लेके कि वो कपड़े ही ठीक कर देती हूँ, कहीं आना जाना तो है नहीं, वेल्ले बैठा तो कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं है मम्मी। काहे ही किया तुमने ये, काहे ही किया तुमने ये काम, तुझे सिखा रही बैठ के। हाँ मेरी मम्मी ऑलराउंडर है, सारे काम कर लेती हैं ये अपने आप ही, हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती घर पर, हम सारे काम अपने आप कर लेते हैं। हैं आना चाहिए ना सब चीज़। तुम्हारी लड़की को तो नहीं आता, छोटे काम तो अपने आप आने भी चाहिए। तुम्हारी लड़की को तो नहीं आता कुछ भी, वो भी सिखा दूँगी। तो अभी लेते हैं हम धूप के मजे, धूप फेंकते हैं, आप भी देखो आए कितना टाइम का मजा लेना। चलो फिर मिलते हैं बाद में हम आपके, बाय बाय। आओ वेलकम है, राधे राधे। हाँ कैसे रहे दर्शन आपके, ठंड बहुत है, हालत ही दिख रही है तुम्हारी, आंखें देखो लाल हो रखी है पूरी। क्या लाया मेरे लिए? मैं हाँ। अभी के सामान से भरा हुआ है, मेरे सामान है। आंखें कैसे लाल हो रही है? अरे वो तीन बुनी हुई है आपको ढंग से, रास्ते में ठंड थी ना, और जाओ और जाओ ठंड में, सही है मैं नहीं गई है ना, बहुत अच्छा हुआ नहीं गई, दिल्ली में इतनी ठंड तो पागल हो जाती है। अरे बहुत बुरा हाल है ठंड के वजह से। क्या लाया? कुछ नहीं, अभी पानी दिखाऊंगा तो चलो बाहर की कुंडी लगा दूंगा, फिर मिलते हैं आपको, दिखाते हैं क्या क्या लेके आया। पहले बताया था मैंने पिछले व्लॉग में कि जब हम गाजर का जूस निकालते हैं तब हम उसमें बीट रूट डालते हैं, मतलब चकुंदर डालते हैं, और उसमें मैं नेचुरली ब्रश लगाती हूँ। तो वो देखो मैंने पहले उसको अच्छे से वॉश किया, काटते पहले हाथ भी रेड हो गए मेरे, उसका छिलका लिया उसको वॉश किया, और अभी रुक जाओ, नेचुरली ब्रश का काम करता है ये हमारे, और इसको यहाँ पे भी हल्का हल्का हलो पुश करो जो है वो रेडनेस आ जाए आपके मुँह पे, और इसको सूखने दे।
मेरे हाथ भी गीले थे तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा हो रहा है, मतलब लग रहा है आपको। और देख रहे हैं आप, मतलब और ये तो वेस्टेज ही है हमारा, कूड़े में फेंकना है। उसको ऊपर है जो कवर होता है वो कट करा, और वो हारबुत रख लिया हमने जूस में डालने के लिए। आप इसको हैंड है भी रख कर सकते हैं, वैसे आप किसी भी चीज़ है, पर हैंड है ही ज़्यादा ठीक है। फिर आप हैंड वॉश कर सकते हैं, मतलब जो भी आप चीज़ लोगे वो भी रेड रेड हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है ये। मैं हम तो जब है ये काम करने लगे, घर पे निकालने लगे जूस, तब है हम यही काम करते हैं। और ख़ुद को बहुत अच्छा फील होता है, अगर कोई भी आता है, अरे तू तो मतलब बहुत खा पी रही है आजकल, लालियाँ आ गई है तुम्हारे मुँह में, तो उनको रियलिटी नहीं पता होती, नेचुरल ही लगता है। आप लोग देख रहे हैं, लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ करा है, जैसे ठंड की वजह से रेडनेस आ जाती है ना मुँह पे, वाला हाथ भी देखिए रेड हो गए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला तरीका अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताओ मैं किस किस को ये तरीका बताता कि हम नेचुरली भी ब्लश लगा सकते। और ये तो अच्छा ही है ना, मतलब खाते पीने के लिए अच्छा है, तो उन केमिकल वाले प्रोडक्ट है तो बहुत ही अच्छा है। तो बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी किस किस को ये चीज़ नाम मिल जाए, या देख लेना यहाँ पे नाम लिखा रहा होगा तो देख लेना, जाना हो कर देना, नहीं करना मत करना भाई, भाई कर देना, भाई कर देना, जबरदस्ती नहीं है ये भाई है, ये भाई है, देख लो। देखो जब से मम्मी और मासी जब से आई है मेरी गंदी गंदी शक्लों का ब्लॉग बना रहा है, शर्म नहीं आ रही है, बहन की बेइज्जती मार रहा है। क्या है घर में ही शुरू हो गए हो, है ठंड हो रही, क्या करें, ज्यादा ही ठंड लग रही है आपको, बाहर तो ज्यादा ठंड हो रही है। बाहर भी हमारे सारे मोहल्ले वाले आग जला के बैठे है, हाथ फेंक रहे हैं, तो हम भी थोड़ा गर्म गर्म कर लें, घर बहुत ठंडा हो रहा है हमारा। नहीं आ जाओ गाइस, चाय पीते हैं, चाय बना रहे हैं हम गर्म गर्म। अब ठंड का क्या है, ठंड का मेवा ड्राई फ्रूट भी हो गई है, ये ठंड का मेवा है ड्राई फ्रूट होता है। चाय है हमारी ये इलायची वाली, लौंग वाली, पूरी काढ़ कूड़ के काढ़ा बना के। हाँ गर्मियों में हमारी पूरी चाय छूट जाती है। फिलहाल तो मम्मी हाथ फेंक ले अपने जो बहुत ठंडे हो रहे हैं, अच्छा जुगाड़ कराया आज हम लोगों ने घर में अपने। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा जो भी, पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार। तो चलो जब तक के लिए बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।